गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के इस लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले लेक्चर में हमने दो स्टेजेस को कवर कर रहा था एसडीएलसी की। आज हम तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। दो स्टेजेस के बीच में एक और टॉपिक आता है एसआरएस। इसको हमने अभी छोड़ दिया है एसआरएस को, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद जो हमारी तीसरी स्टेज है वो सिस्टम डिजाइन है, जिसको हम आज कवर करते हैं। मैंने आपको कहा था पहली स्टेज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम ये देखते हैं कि वास्तव में सिस्टम बनेगा या नहीं बनेगा। सिस्टम एनालिसिस जो दूसरी स्टेज है, जिसे हम जो है वो एक बहुत ही अलग नाम से भी बोलते हैं, वो नाम हमारा जो है वो है सर्वे स्टेज। सर्वे स्टेज सिस्टम एनालिसिस का दूसरा नाम है, जिसके अंदर दो पार्ट थे, एक सिस्टम स्टडी मेथड्स, जिसे आप फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसका वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब हम तीसरी स्टेज जो सिस्टम डिजाइन है उसको देखते हैं। सिस्टम डिजाइन का मतलब, एक बार आपने रिक्वायरमेंट ढूंढ ली, अब आप सिस्टम को डिजाइन करेंगे। सिस्टम डिजाइन का मतलब उसमें इनपुट क्या होंगे, आउटपुट क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगी, किस तरह की कंडीशंस आपको चेक करने के लिए लगाना पड़ेगा। ये तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो है डिजाइन होते हैं, जो ऑन पेपर आप वर्क करते हैं। तो इन दिस फेज प्रोग्रामर डिजाइन द एक्चुअल सिस्टम। इस फेज के अंदर प्रोग्रामर जो है, जो प्रोग्रामिंग करेगा, वो वास्तव में एक्चुअल सिस्टम को डिजाइन करता है ऑन पेपर्स। मेनली फाइव फाइव की जगह आप यहाँ पे डिफरेंट बोल सकते हो, पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन द सिस्टम डिजाइन प्रोसेस। डिफरेंट पार्ट्स है, हम चार पांच ही करेंगे इसमें से, वैसे आठ दिए हैं। सबसे पहला है इनपुट डिजाइन। इनपुट डिजाइन में आप इनपुट की डेफिनेशन दे सकते हैं जो आपने पढ़ी हो। यहां पर एक अलग डेफिनेशन है, इनपुट इज व्हाट डाटा द सिस्टम रिसीव्स टू प्रोड्यूस अ सर्टेन आउटपुट। आप लिख सकते हैं इनपुट इज द डाटा दैट सिस्टम रिसीव टू प्रोड्यूस आउटपुट। आप क्या लिख सकते हैं, इनपुट इज द डाटा, व्हाट की जगह द डाटा, दैट द की जगह दैट सिस्टम रिसीव टू प्रोड्यूस अ सर्टेन आउटपुट। इनपुट इज द डाटा डेट सिस्टम रिसीव टू प्रोड्यूस अ सर्टेन आउटपुट, की इनपुट वो डाटा होता है जो सिस्टम रिसीव करता है क्या करने के लिए, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है आउटपुट, व्हाट गोज आउट फ्रॉम द सिस्टम आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड इज नोन एज आउटपुट। कह रहा है कि जो भी सिस्टम से बाहर जाता है प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट कहलाता है। व्हाट सिस्टम गोज आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, आफ्टर बीइंग प्रोसेस, जो भी सिस्टम से बाहर जाता है आउटपुट के बाद वो क्या कहलाता है, ओ सॉरी, प्रोसेसिंग के बाद क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो अगर आपको कोई और आउटपुट की आसान डेफिनेशन बताओ तो वो लिख सकते हैं। प्रोसेसिंग, प्रोसेस इन्वॉल्व टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज, आप यहां पे चेंज भी लिख सकते हैं। तो प्रोसेस यूज टू चेंज इनपुट इनटू आउटपुट, तो प्रोसेस जो है वो यूज होती है क्या करने में, इनपुट को आउटपुट को में चेंज करने में। तो आप अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो, द प्रोसेस इज यूज टू चेंज इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज प्रोसेसिंग। अगला है कंट्रोल, इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। आप सीधा लिख सकते हैं कंट्रोल इज यूज टू कंट्रोल द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। यहां से सीधा कंट्रोल इज यूज टू कंट्रोल द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो ये बहुत रहेगा। तो कंट्रोल इज यूज टू कंट्रोल द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। यहां पे आपने बस कुछ चेंज करना, कंट्रोल इज यूज टू कंट्रोल द फीडबैक। The output is checked with the desired standard of the output set and necessary steps are to be taken for achieve the output as per standard. This process is called feedback. It helps to achieve a better control in the system. देखिए फीडबैक का मतलब है कि आपको वो डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये चेक करने के लिए फीडबैक का यूज होता है। तो द आउटपुट इज चेक्ड विद द स्टैंडर्ड डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द आउटपुट सेट, ठीक है, द आउटपुट इज चेक्ड विद द डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट सेट। आप यहां तक करके द आउटपुट इज चेक्ड विद द डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट सेट,
आगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक. ये यहां पे निशान लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए. द आउटपुट इज चेक्ड विद द डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द आउटपुट सेट. यहां तक करके कि आउटपुट जो चेक होता है वो डिजायर्ड स्टैंडर्ड के आउटपुट सेट से चेक होता है. ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, फीडबैक कहलाती है. बाकी आगे तीन और है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है. बाउंड्रीज है या फिर एनवायरमेंट है या इंटरफेसेस है, तो ये आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है. आप करना चाहे तो द बाउंड्रीज आर नथिंग बट द लिमिट ऑफ द सिस्टम, इतना कर सकते हैं. बाउंड्रीज आर नथिंग बट द लिमिट ऑफ द सिस्टम, ये बहुत है, इतना कर लें. एंड द थिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज आर नोन एज एनवायरमेंट, यहां तक बहुत है. तो बाउंड्री आर नथिंग बट द लिमिट ऑफ द सिस्टम एंड द थिंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम आर एनवायरमेंट. The interconnection and the interaction between the subsystem is called as the interfaces. Interconnection और जो भी interaction different parts में होती है system के उसे interface कहते हैं. Interconnection या interaction जो भी different छोटे parts में होती है वो interfaces कहलाते हैं. तो input क्या है जो आप दे रहे हैं, output क्या है जो हमारे को बाद में मिला है, किसके बाद, process के बाद. प्रोसेस क्या है, जो भी वर्क हुआ, जो जो आपने काम करा इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के लिए. कंट्रोल क्या है, जो कंट्रोल आपने किया इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को करने के लिए वो कंट्रोल है या लिमिट जो आपने कर दी. फीडबैक में आप चेक कर रहे हैं क्या आउटपुट को किसी डिजायर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से. और बाउंड्रीज क्या है, लिमिट्स हो गई किसी चीज के लिए. एनवायरमेंट क्या हो गया, जो थिंग बाउंड्री के बाहर है वो एनवायरमेंट है. और इंटरफेसेस जो है इंटरकनेक्शन या इंटरेक्शन. अब अगली स्टेज जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर. डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने सिस्टम डिजाइन कर लिया, सिस्टम डिजाइन को करने के बाद अब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा. सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का मतलब कि अब आपकी कोडिंग होगी. कोडिंग जो आप लिखते हैं कंप्यूटर में वो सोर्स कोड कहलाता है. क्या कहलाता है, सोर्स कोड. द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस आर converted into the source code of a programming language. कि जो भी आपने डिजाइन करा वो अब कन्वर्ट होगा किसमें, source code में, किसी भी programming language में. मतलब वो programming language C भी हो सकती है, C++ भी हो सकती है, Java भी हो सकती है, वो अलग अलग तरह की language हो सकती हैं. Design specifications are converted into the source code of a programming language. Design specification convert होते हैं source code में. The programmers are responsible for doing this activity. Programmer जो है ये काम करते हैं. जो आपने ऊपर design करा था वो अब convert हो रहा है किसमें, source code में. Source code का मतलब वो code जो आप लिखेंगे किसमें, किसी भी programming language में. और ये programmer responsible होता है इस काम को करने के लिए. The software which is to be developed is divided into many modules. तो जो software आप डेवलप कर रहे हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्या होगा, डिवाइड होगा. मॉड्यूल्स का मतलब अलग अलग कोडिंग विंडो होगी. जैसे हम पांच लोग प्रोग्रामर है तो पांच लोग अलग अलग काम कर लेंगे तो वो पांच अलग अलग मॉड्यूल बना लेंगे. वो मॉड्यूल जुड़ के फिर एक सिस्टम बना देते हैं. तो द सॉफ्टवेयर विच इज टू बी डेवलप्ड इज डिवाइडेड इन टू मैनी मॉड्यूल्स. मतलब डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होंगे. हर पर्सन अपना एक अलग अलग मॉड्यूल डेवलप कर लेगा और उस मॉड्यूल से क्या होगा, उनको दोबारा जोड़ के इस पूरे सिस्टम को बना दिया जाएगा. एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स आर कवर्ड बाय डिफरेंट प्रोग्रामर टीम. और डिफरेंट मॉड्यूल जो है डिफरेंट प्रोग्रामर टीम के द्वारा कवरअप होंगे. द डिजाइन स्पेसिफिकेशन आर कन्वर्टेड इनटू द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो आपके डिजाइन स्पेसिफिकेशन है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, सोर्स कोड में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. प्रोग्रामर जो है इस काम को करता है. प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी. द सॉफ्टवेयर विच इज टू बी डेवलप्ड इज डिवाइडेड इनटू द मेनी मॉड्यूल. जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं वो कई मॉड्यूल में क्या होता है, डिवाइड होता है. एंड डिफरेंट मॉड्यूल आर कवर्ड बाय द डिफरेंट प्रोग्रामर टीम. और डिफरेंट मॉड्यूल जो है डिफरेंट प्रोग्रामर टीम के द्वारा कवर होते हैं. अब अगला है सिस्टम की टेस्टिंग. नॉर्मली प्रोग्राम्स आर रिटन इन मेनी मॉड्यूल्स. नॉर्मली जो है प्रोग्राम जो है वो मॉड्यूल्स में लिखे जाते हैं. जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले उसमें पढ़ा, द एंटायर सिस्टम इज टेस्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल. और आपका पूरा सिस्टम जो है क्या होता है, टेस्ट होता है सारे मॉड्यूल के कंप्लीशन के बाद. देखिए बेटा,
आप जो मॉड्यूल लिखते हैं उसमें एक एक पार्ट को यूनिट कहते हैं, कई सारे यूनिट मिलके मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो यहां जो है ये टेस्टिंग हर चीज को टेस्ट करती है, जैसे आपने डिफरेंट मॉड्यूल बनाए, वो मॉड्यूल मिलके पूरा सिस्टम जो है मॉड्यूल के बनने के बाद, कंप्लीशंस के बाद टेस्ट होता है, जिसे हम सिस्टम टेस्टिंग का नाम देते हैं। द पर्पज ऑफ सिस्टम टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द सिस्टम। जो इसका पर्पज है सिस्टम टेस्टिंग का, वो आइडेंटिफाई करना है एरर्स को, उन्हें करेक्ट करना है। द प्रोग्राम टेस्टिंग चेक द टू टाइप्स ऑफ एरर। कह रहा है जो टेस्टिंग का ये फेज है, ये दो प्रकार के एरर को चेक करता है। एक तो सिंटेक्स एरर, मतलब जो ग्रामेटिकल रूल के फॉलो ना करने के कारण आते हैं, जो सिंटेक्स को फॉलो ना करने के कारण आती है, और दूसरा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब जो लॉजिक के कारण एरर आएगी, वो लॉजिकल एरर होती है, कि आपने डिफरेंट लॉजिक यूज कर दिया, मतलब प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है बट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आ रहा, तो उसे लॉजिकल एरर का नाम देते हैं। कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, सही हो रहा है, सही आउटपुट दे आउटपुट दे रहा है, सही नहीं कह रहा मैं, आउटपुट दे रहा है बट सही नहीं दे रहा आउटपुट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब जो आपने काम करा उसके अंदर प्रॉपर लॉजिक का यूज नहीं करा। तो सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, जब आप एक बार मॉड्यूल लिखे जाते हैं, तो मॉड्यूल के लिखने के बाद सिस्टम क्या होता है, टेस्ट होता है। ये आपकी टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर आपके एरर चेक होते हैं और करेक्ट होते हैं। इसके अंदर दो प्रकार के एरर आप चेक कर लेते हैं, एक सिंटेक्स एरर जो ग्रामेटिकल रूल के कारण आता है, और लॉजिक एरर। तो आज हमने तीसरी, चौथी और पांचवी स्टेज को हमने करा है। थर्ड स्टेज जो है हमारी वो कौन सी है, वो आपको पता है, वो है हमारी सिस्टम डिजाइन। फोर्थ स्टेज जो है हमारी ये डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। फिफ्थ स्टेज हमारी सिस्टम टेस्टिंग। तो पांच स्टेज अब तक हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों, 3 दिनों में। आप इन्हें साथ साथ पढ़िए, अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे याद करना, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है इसमें और फुली थियोरेटिकल टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ इसे याद करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।